मेरी इस मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल चलचित्र पे आपका स्वागत है दोस्तों। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मार्वल स्टूडियो का वो नजराना है जिसमें फिल्म के हीरो पीटर क्विल के बारे में और गहराई से दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत सन 1980 मिसौरी से होती है जहां एक कपल रोमांस करता हुआ दिखाया गया है। 34 साल के बाद पीटर क्विल और उसकी टीम जिसमें गमूरा, ड्रैक्स, रॉकेट और बेबी ग्रूट है, वो सोवेरियन ग्रह पे ग्रह की रानी आयसा के हुक्म से कुछ बैटरीज को किसी एलियन से बचाने का काम कर रहे होते हैं, जिसके बदले रानी आयसा की कैद में रही नेब्यूला जो गमूरा की बहन है उसे छोड़ दिया जाएगा। एलियन को मार के जब पीटर क्विल टीम के साथ रानी आयसा के पास नेब्यूला को मांगता है तभी रानी आयसा पीटर क्विल को उसकी पैदाइश के बारे में पूछती है जो पीटर को काफ़ी परेशान कर देती है क्योंकि पीटर को सिर्फ अपनी माँ के बारे में ही पता होता है। ये पूरी मूवी क्विल के पिताजी के ऊपर है। सोवेरियन ग्रह से वापस जाते वक्त रॉकेट शरारत से वही बैटरीज चुरा लेता है जिसकी रक्षा करने का काम उनको सौंपा गया था। बैटरीज को वापस लेने सोवेरियन के रोबोटिक लड़ाकू जहाज पीटर क्विल के जहाज का पीछा करते हैं तभी उनकी मदद करने कोई अनजान जहाज आता है जो सोवेरियन के सारे हवाई जहाज को एक साथ ही खत्म कर देता है। नज़दीकी ग्रह बेरहट पे पीटर क्विल क्रैश लैंड करता है। वहाँ उनकी मदद करने वाला जहाज भी आता है और पीटर क्विल के सामने उस जहाज में से उसके पिता ईगो प्रकट होते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में कॉन्ट्रेशिया ग्रह दिखाया जाता है जहाँ पीटर क्विल को पृथ्वी से उठाने वाला व्योंडो दिखाया गया है जो लुटेरों की उस बस्ती में सत्कर नाम के दूसरे लुटेरे से पीटर जैसे छोटे बच्चे को अगवा करने का काम क्यों किया इसी बात पे बहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सोवेरियन ग्रह की महारानी आयसा पीटर क्विल और उसकी पूरी टीम की सुपारी व्योंडो को देती है। ईगो पीटर क्विल एंड टीम को एक नए ग्रह पे ले जाता है जिस ग्रह का निर्माण खुद ईगो ने किया है और जो ग्रह ईगोज प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अपने बारे में पूछने पर ईगो पीटर क्विल से कहता है उसे पता नहीं वो कहाँ से आया है पर वो अकेला सौर मंडल में तैर रहा था। समय के साथ अपने आसपास की शक्तियों पे काबू करना वो सीखता गया साथ ही उसकी शक्तियाँ भी बढ़ती गई और तभी से वो ईगो उस ग्रह का निर्माण कर रहा है। ब्रह्मांड में व्याप्त पंच तत्वों का सहारा लेके उसने अपने जैसा नया जीवन तलाशने की खोज शुरू की जो खोज उसे पृथ्वी पर ले गई जहां उसकी मुलाकात पीटर की माँ से हुई और ऐसे पीटर क्विल का जन्म हुआ। क्विल की जहाज की मरम्मत करने रुकी नेब्यूला, रॉकेट और बेबी ग्रूट को व्योंडू और उसके साथी अगवा करते हैं लेकिन व्योंडू के गिरोह में बगावत हो जाती है। ईगो पीटर को बताता है कि वो एक दिव्य पुरुष है और उस ग्रह पे मौजूद दिव्य ज्योति और उसके अंदर की दिव्य शक्तियों को जगाने के लिए उसे प्रशिक्षित करता है। ईगो के साथ उस ग्रह पर मैटिस है जो ड्रैक्स को उस ग्रह पर कुछ शंकास्पद होने की बात बताने की कोशिश करती है तभी वहाँ गमोरा आ जाती है। क्या है वो शंकास्पद चीज जिसे लेकर मैटिस चिंतित है? क्यों ईगो प्लैनेट पर ईगो और मैटिस के अलावा और कोई जीव नहीं है? क्यों कभी ईगो अपनी प्रेमिका से मिलने वापस पृथ्वी पे नहीं गया? मैटिस आखिर क्यों ईगो के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है? ये सारी चीज़ें जानने के लिए देखिए गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। मूवी देखने के बाद अपने कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। थैंक यू।